माशाल्लाह आज मैं और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है, हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है। मुझे तो कैसी हो? मैं तो देख कर हैरान है कि ये ना अम्मी का घर तो नहीं है। किसका है? किसी और? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोना लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी मेरे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो कल जो है ना मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, तो कल इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कल शाम तक मेरी तबीयत थोड़ी ना डाउन थी, तो मैंने कहा कि छुट्टी मारती हूँ एक, तो आज मैं व्लॉग जो है ना बना रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं जी किसी काम से लोधरा, और माशाल्लाह से हमारे घर के दरवाजे भी लग गए हैं। ये देखें, ऐसे तो आप सबने अम्मी की वीडियो में देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो उनको भी दिखा देती हूँ। ये देखें, आप सब कह रहे थे ना न्यू दरवाजे नहीं लगाए नहीं लगाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे लग रहे हैं? मार के खड़ा जी, वाह शुक्र है कपड़े चेंज तो किए। वालेकुम सलाम। ये देखो लैबा को ये वाला सूट मैंने दे दिया है, मैंने कहा आप बहुत अच्छा लग रहा है। और एमन भी मेरे साथ जा रही है, मेरी बेटी। ठीक हो? अच्छा है, मन अब दांत भी साफ करती है, दिखाओ अब चिट्टे। मुसवाक भी लगाया है और दांत लगाया। और ये हमारा दरवाजा तो वैसे भी लगा हुआ था हमारा, तो इसके साथ ना ये क्या कहते हैं दरवाजे हमने ना मैच किए हैं। देखो इनका डिजाइन भी वैसे, लेकिन ये पहले लगा हुआ था इसका कलर ऐसे हो गया है, और इसका भी तकरीबन एक या दो महीने के बाद इसका कलर भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इनके ऊपर पॉलिश वगैरह करवानी होगी, वो अभी हम सोच रहे हैं कि भाई की शादी के बाद बाद हम ना करवाएं, पहले शादी कर लें। और ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं अभी, चुकाठा को जो ना इसको ना हम कर देंगे पॉलिश। चले सही है, ठीक है हम लोग जा रहे हैं फिर। ठीक है आज मेहमान, तो अभी ना अबू के साथ हम लोग जा रहे हैं बाइक पर। और ये देखें जी पेंट, देखें जी वाओ ब्यूटीफुल, अभी भी कर रहे हैं ऊपर, देखें वो कर रहे हैं। और ये देखें ये बाथरूम भी हुए हैं पेंट। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं जी, यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे वहाँ पे। ये देखें ये वाला डिज़ाइन हम बनवा रहे हैं, ये कलर का ऊपर भी डिज़ाइन होगा। तो ये कलर मैच कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी पहले डिज़ाइन की, मैंने कहा पता नहीं कौन सा कलर लाऊं कौन सा लगवाऊं। लेकिन फिर ना फाइनली यही डिसाइड हुआ कि जो पेंट करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये जो कलर लगावे ना मिड में, ये कहते हैं कि ये ज़बरदस्त लगता है क्योंकि इसके साथ यही मैच हो रहा है ना, तो इसलिए भी हम लोग ना यहाँ से निकल रहे हैं घर से। और हम कहाँ कहाँ जाएंगे इंशाल्लाह सारा आपसे व्लॉग जो वो शेयर करूँगी, तो अपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जल्दी जल्दी कर दें सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। अबू जान सर के ऊपर नहीं पहनी वो, ऊपर वो आगे हो जाओ। ओके अम्मी दुआ करना, अल्लाह पाक हम जो काम करने के लिए जाए ना, आप यहाँ कहते हैं ना आप अम्मी से कहीं को दुआ क्या करें, अम्मी की दुआ जो है ना वो जल्दी अल्लाह पाक करा सकते हैं। हाँ दुआ करना, ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज। हम पंजाब बैंक में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे मैं काम था थोड़ा सा, और अबू भी साथ हैं। चले अबू, हम लोग बाइक पे आए इसलिए अमन कहते हैं मैं थक गई हूँ, चलो अंदर चलते हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे काम क्या था। चलो
तो असल में मुझे ना उधर इधर लोधरा में ना अपना अकाउंट खुलवाना था, जिसकी वजह से ना मुझे यहाँ पे आना पड़ा और मुझे काफ़ी देर यहाँ पे बैठ रही हूँ, क्योंकि हमने अपना काम वगैरह कंप्लीट करके तो अभी हमें भूख लगी हुई थी, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। उसके बाद फिर हम हुई हूँ अभी अबू जान का आज पिज्ज़ा खिलाने के लिए लेकर आई हूँ। इतना खाता नहीं, आपको खिलाऊंगा। नहीं आप आपको खिलाऊंगे ना, चलो लड़ाई कर रहे हैं, चलो 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 खाने में लेकर जा रही हूँ, चलो। ओए ओए क्या करो, चलो यहाँ पे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर नहीं बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ चले आप जाओ बैठे, कैसे लगे जा, कैसे जगह कैसे लगी? बहुत अच्छा है जी। चलो आज अबू की पसंद का खाना खाएंगे, वही हम खाएंगे। इसको देखो उधर निकल आई है, अबू जी वो उठा ले, इसमें देखे खोले, इसमें जो आपको पसंद है वो बताए। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप देख ले इसमें शक्ल देख लेना। सब ठीक है, जो आप पसंद है वो ठीक है। अच्छा ये है पराठा रोल भी होंगे, पराठा रोल, पिज्जा पराठा रोल, नगर्स वगैरह, और इसके अलावा लेग पीस, हॉट विंग्स। एक लेग पीस ले लो। लेग पीस नहीं होगा इसमें, नहीं यहाँ पे वो लेग पीस, सॉरी लेग पीस आ गया, हॉट विंग्स होंगे, हॉट विंग्स। चलो वो भी लेग पीस की तरह होते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं, लेग पीस थोड़ा बड़ा होता है। कोई भी ये ले लेते, लेग पीस नहीं खाने? नहीं वो आप खा लेना ना, पाँच छः वो ले लो अपने लिए। चलो ठीक है, पिज्जा तो लो ना, जो स्पेशल है यहाँ का बोर्ड ये वाला ZFC स्पेशल पिज्जा। अच्छा आप सब कहते हैं कि ये ZFC है, पिज़ानो नहीं है, तो ये ना ZFC और पिज़ानो साथ है ना, तो इसके साथ ZFC है। यहाँ पे भी पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाता है, मिलता है तो हम लोग खाने के लिए आते हैं। ठीक है ये ले आइए। हाँ चलो ठीक है, अभी ऑर्डर देते हैं। पानी ले आए भाई, सबसे पहले तो प्यास लगी हुई है, भूख भी लगी हुई है, थक गए हम लोग काफ़ी ज़्यादा, ऐसा बैठ बैठ के पंजाब बैंक में इसलिए मैंने ओपन करवाया, क्योंकि ये होता है गवर्नमेंट का बैंक होता है, तो उसमें हम मतलब कोई भी ATM कार्ड कहीं पे होना तो हम यूज कर सकते हैं ATM कार्ड ना, तो उधर थोड़ा बैंक का बड़ी बात है, इसमें कटौती भी नहीं होती, इसलिए अबू ने कहा कि आप चले और उधर जो है ना आप अपना अकाउंट जो है ना इधर ओपन करवाए, आपके यूट्यूब के जो पैसे हैं ना इस अकाउंट में आएंगे, पंजाब अकाउंट में, पंजाब बैंक में, सॉरी पंजाब बैंक में आएंगे, तो इधर जो है ना मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है अलहमदिल्ला, तो जी से इंशाल्लाह पैसे जो है वो लेंगे। पिज़्ज़ा आ गया तो मैंने प्लेट में सबको डाल दिया है, और अबू जान विंग्स खा रहे हैं, कैसे लगे? अच्छे हैं, अच्छे है ना, चिकन के है ना। अमन दुआ मांग रही है माशाल्लाह, हमेशा जब भी खाना खाती है ना पहले दुआ हाथ ऐसे करके ना आगे दुआ मांगती है फिर खाना खाती है। कैसा लग रहा है टेस्ट करके बताओ, केचप भी डालो ना, जो आपको पसंद है वो वाला, दो पड़े हुए हैं केचप उनमें से एक डालो, दूसरा वो वाला डालो। हाँ ये सही है, ये बच्चे वाला नहीं है। अच्छा इधर से खोलो, यहाँ डालो, अब मुझे ना भी डाल लो। चलो जब खाते हैं, किसी मेरे बहन भाई ने खाना है तो आ जाए। ये पिज़्ज़ा जो ना वो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह, इसमें चीज़ जो ना वो काफ़ी होती है, इसलिए अच्छा लगता है। तो किसी मेरे बहन भाई ने अगर खाना है तो आ जाए, ये बच्चा हुआ है, ये खट्टा है, ये मिर्चों वाला होगा। हमने खाना खा लिया है, पिज़्ज़ा मतलब, और बच्चों के लिए पार्सल करवा लिया है, अमन मुजम्मिल और बाकी सब के लिए ना पार्सल, आपने तो खा लिया है ना, तो बाकी सब बच्चों के लिए पार्सल करवा लिया है। मैंने इसकी इसके ऊपर बैठ कर जा के पार्सल कर रहा हूँ, आप इसको चला के आ जाना, ठीक है हम लोग जा रहे हैं। क्यों क्यों नहीं, चलो अभी ना हम यहाँ से ना ये केले ले रहे हैं, क्योंकि इसका अब सीज़न चल रहा है ना, तो इसलिए हम भी खाती हैं तो बच्चे भी खाएंगे, दो दर्जन ले लें, अब दो दर्जन ले लें, अभी हम दो दिन से निकल रहे हैं, ले लिए ठीक है। अभी जो है ना हम लोग घर पहुंच गए हैं, और मैं बहुत थक गई हूँ आज, बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। कहाँ हैं सब? अबू जान वो अम्मी को दे दो,
चलो जी अभी पिज्जा जो है ना बच्चे खा रहे हैं। आगे पहले शायद खा दी मैंने। आपके लिए वो ले आई हूँ फ्रूट। हाँ अच्छा। हाँ फ्रूट खरीदी थी आपने। हाँ चलो खाओ आप लोग। तो माशाल्लाह आज मैं और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है, हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है। जी आपको खुशी कुछ भी नजर आ रही, इसको देखो मुझे कैसे लिपट रहा है ये मुजम्मिल्ला। आप कहते हैं कि मुझसे प्यार नहीं करती, आप अहमन से ज्यादा करती हो। ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अहमन को बेटी बना रहा, मुझे सब बच्चे प्यारे लगते हैं। अच्छा अहमन की जो जिम्मेदारी है ना वो मुझे दे दी सारे, दो ये मुजम्मिल और जो है समाविया है, जो तो वैसे भी अम्मी के पास हैं तो इधर ही इनके पास हैं, लेकिन भाई भाई के पास भी रहेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि अहमन जो है ना वो आप खुद अपनी जिम्मेदारी इनकी ले अहमन की। मैंने कहा ठीक है, वो तो वैसे भी मुझे बहुत प्यार लगते बच्चे, मुझे तो सारे दे दे बच्चे मुझे मंजूर। तो अम्मी ने कहा कि अहमन की जिम्मेदारी आप खुद लो, इसको पढ़ाओ भी सही, इसकी जब बड़ी होगी इसकी शादी भी करना, सब कुछ खुद ही करना है। मैंने कहा ठीक है ओके डन करो, तो मुझे कोई इतराज नहीं है। एक बेटी चाहिए, ये समावे दे दो, मुजम्मिल दे दो, तीनों बच्चे मुझे दे दो, मुझे इतराज नहीं है। बेटी कैसे बन सकती हूं? अच्छा मैं एक बात बताऊं, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सोनिया आपके भाई के बेटे, आपके बेटे कैसे हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए मेरी बात में, जो भाई के बच्चे होते हैं ना, वो जो बहन अगर उसको पालती है कुछ करती है ना, तो वो उनकी माँ के बराबर ही होती है। असल में माँ नहीं होती, वैसे माँ का दर्जा तो नहीं मिल सकता, लेकिन ये है कि माँ जैसी तो हो सकती है। माँ जैसी के मतलब और माँ का होने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो कुछ मेरे बहन में कमेंट्स आ रहे थे सोनिया के, आप क्यों कह रही हो उसको अपनी बेटी क्यों कह रही हो, आप तो उनकी फुफो, अपनी भतीजी को बेटी नहीं बना सकती क्या, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो खुशी हमें ये मिली है, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा घर जो इतना प्यारा बन गया है ना, आप यकीन नहीं करेंगे। उधर से मैं दूर से आ रही थी तो मैंने ना देखा सबके घर देखे लाइन में खड़े थे, लेकिन किसी का घर भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमारा घर जो ना सबसे डिफरेंट इसलिए लग रहा था क्योंकि हमारे घर का पेंट मुकम्मल हो गया है तकरीबन। आप ना पीछे डिजाइनिंग रहती है, डिजाइनिंग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए 3-4 से 5 दिन और लगेंगे तकरीबन। तो वो ना माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, मैंने अम्मी से कहा है तो एक वक्त वो इमेजिन करें जब हम हमारी ये दीवार थी अगली ये ना कच्ची होती थी, ठीक है ना, हमारे जो बाथरूम थे ना उनकी छत तक नहीं थी बात की। तो अब देखें और पहले देखें, इसमें कोई खुशी आपको नजर नहीं आ रही। तो वैसे आप सब मेरे जो सब्सक्राइबर, जो मेरे पहले वाले पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा कि हमारे शुरू में कैसे हालात थे और हम कैसे रहते थे। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती थी। अच्छा इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत से लोगों ने हमें ना मैं पहले भी ये बात करती हूँ, लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश की है, चैनल छीन लिए, घर छीन लिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हार नहीं मानी और लोगों ने मुझे जीरो पर करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीरो पर नहीं हुई। जब अल्लाह ताला की जात किसी को जीरो करने पर ना आए ना, तो किसी इंसान की मजाल नहीं है कि किसी इंसान को नीचे गिरा सके। मैं ये फख्र गुरूर नहीं कर रही, अल्लाह माफी करे, ना ही मेरे अंदर कोई फख्र गुरूर है और ना ही कभी करूंगी। इंसान को हमेशा ना झुक के ही रहना चाहिए हमेशा हमेशा, लेकिन ये बात मुझे करनी थी। लोगों ने सब कुछ छीना लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने चैनल भी हैं और हमारा घर सबसे प्यारा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का निकाह भी हो गया और माशाल्लाह भाई बहुत जल्द शादी भी है, अगले महीने हम डेट फिक्स कुछ दिन बाद करने के लिए जा रहे हैं। तो बस मार्बल का काम रह गया या अंदर से वॉलपेपर रह गए वो कंप्लीट करके उसके बाद हम भाई की शादी जो है ना वो जल्दी जल्दी हम ना ले आएंगे अपनी भाभी को घर ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चों का फ्यूचर वो मेरे जिम्मे है, बच्चों का फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, इनकी फ्यूचर की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तौफीक दी, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी ना, इन बच्चों को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इनकी तालीम, इनकी पढ़ाई, आगे इनका फ्यूचर सब कुछ जो इनका सिक्योर करना है मैंने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप सब बहन बहन ऐसे मुझे सपोर्ट करना है, तो इसलिए आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आया फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नहीं ऐसे दिखा रही हूँ ना, ये देखें जी आप फ्रंट से देखें। अच्छा प्यार प्यारे को क्यों आपसे नहीं करते, आपसे ज्यादा प्यार करते हैं हमें। हाँ ये जो है ना दरमियान में जो व्हाइट नजर आ रहा है ना, इधर भी ये जो ऊपर लगा कलर नजर आ रहा है ना डार्क ग्रे शेड में है, सुरमई शेड में, पता नहीं कौन सा कलर है, मुझे इसका नाम नहीं आता। जैसे इसका आपने कहा पिस्ता कलर है, मुझे पता चल गया कि पिस्ता कलर है। ये जगह बची हुई ये पेंट होगी। तो इसके बाद ये देखिए बाथरूम जी लग रहे हैं वही चीज थी, इधर हमारी एक दीवार होती थी कच्ची, दीवार अभी मुकम्मल रहती है और छोड़ दिया। हाँ वो उधर पीछे साइड आपको दिखाती हूँ, मुकम्मल अभी रहती है हो रही है क्योंकि ये पर्दे का डिजाइन ना इधर पेंट करना मुश्किल है, ऊपर चढ़ के एक एक बंदा ऊपर लटक के ऐसे पेंट करते हैं बहुत मुश्किल का, मैं बुरश मारना ऊपर जो बीच में लाइनिंग है इसमें बुरश मारना बहुत मुश्किल है। तो ये इसका डिजाइन बनाना माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, अल्लाह पाक नजरे बस से बचा, दरवाजे भी न्यू लग गए हैं
और बहुत अच्छा। अच्छा आप सब दीवारों का कह रहे थे कि आप लोग अंदर से दीवारें क्यों नहीं बनवा रहे। मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि अंदर से जो है ना हमने वो वॉल पेपर जो होते हैं ना उनको डिजाइन आजकल चल रहा है, हमने पेंट करवा थे तो हमें मसला था, हम करवा लेते पेंट। हाँ वो दूसरा पेंट होगा ना, मतलब कि ये प्राइमर जो लगा है ना ये लगेगा शायद, वो ये लगा के ना उसके बाद फिर ना ऊपर वॉल पेपर जो ना चिपकाएंगे हर कमरे के अपनी छत के साथ ना वॉल पेपर इंशाल्लाह चेंज करके अच्छी तरह से लगाएंगे और नीचे जो है मार्बल लग जाएगी और काम हमारा कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। से एक बस एक महीने से भी कम रहता है हमारा काम, थोड़ा सा काम रहता है, बस दो काम तो रहते हैं मोटे मोटे। हाँ। वो भी वॉल पेपर का काम है, वो भी इतना मोटा नहीं है, बस वो ये जल्दी हो जाएगा। उसका जो मार्बल है ना वो लगवानी है वो इंशाल्लाह, क्योंकि इधर भी लगवानी है मार्बल और इधर भी लगवानी है बाथरूम की भी और नीचे नीचे भी लगवानी है स्टेप पर भी। हाँ जी, और भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अभी आवाज तो आई है मुझे, अभी ना सारा कुछ आपको नजर आ रहा है ना ये काम करते रहते हैं ना इस वजह से। ये देखिए मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये देखें ये कॉर्नर में लगाए इसी तरह के ऊपर भी लगाएंगे, ये देखें सारा भी वैसे का वैसा डिजाइनिंग रहती है। और इस साइड पे मुकम्मल होगी ये बैक साइड पे, क्योंकि बैक साइड पे उन्होंने कहा मुकम्मल करते कि नज़र आए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखें अभी ना ये वाला गेट हो गया, ये वाला गेट हो गया और ये वाला वो दरवाज़ा हो गया, इन सबको ना एक जैसा हमने कलर कर देना है वो भी। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो उस साइड पर रहता है और फ्रंट इधर से भी रहता है अभी डिजाइनिंग, और उस साइड पे जो ना पेंट भी रहता है करवाने वाला भी। और मैम हम सोच रहे हैं दीवारों पर इस दीवार पे भी कर दें, अच्छी नहीं लग रही है ऐसी दीवार, और बाथरूम के अंदर भी अभी रहता है और वो दीवार भी रहती है, तो इंशाल्लाह ये सारा जो है ना वो कम्प्लीट। अभी शाम हो गई है, ये देखें करे आ ही गए हैं, मैंने कहा कि अभी रात हो जाएगी, इनको मैच खेलने के लिए ना चले, रात को जो ना मैच देखने के लिए जाते हैं। मुजम्मल भी पीछे चढ़ के बैठ गए हैं। वालेकुम सलाम, बताओ कब रखनी है डेट शादी की? मुझे क्या पता, क्यों आपको पता नहीं है? नहीं। आ गई है तकरीबन 10 दिन हो गए, नहीं आई थी। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी हो? मैं तो देख कर रेहान है की अम्मी का घर तो नहीं है। किसका है? किसी और के घर आ गई हो? माशाल्लाह नजर न लगे, माशाल्लाह अल्लाह ताला नसीब करे जी, तो भाई के नसीब के, अम्मी के, बच्चों के, सब के नसीब करे। आमीन आमीन। घर गई है? ड्यूटी पर गई थी, ड्यूटी पर। कैसा लग रहा है घर? माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगा, क्या लग रही थी इसमें? हाँ इसमें जो कलर भरे है ना ऊपर ये वाले, हाँ ये अच्छा लग रहा है जो पर्दे में ऐसे, क्योंकि ये ना विंडो के साथ मैच कर रही है ना, विंडो के साथ मैच किया। और ये कलर भी पिस्ता जो कलर, ये अच्छा लग रहा है, ये बनाएगी ये जगह बना के ना उसके बाद फिर यहाँ पे ना पेंट करना है उन्होंने, मार्बल लगेगी बस यही काम रहेगा, मार्बल लगा के उसके बाद हम तो कमरों में वॉल पेपर भी लगाना है। अच्छा। कमरे में पेंट नहीं किया हमने, शादी को दे रहे अभी, क्यों अभी जा रहे हैं हम उनसे पूछने के लिए कुछ दिनों के बाद डेट रखेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में। नहीं नहीं अक्टूबर में क्यों? हाँ अब कौन सा महीना है? 10वां? हाँ 10वां अक्टूबर का होता है। पागल हो गई हो? मैं सारा दिन ना लोधरा गई हूँ, उधर ना अकाउंट एक खुलवाना था ना तो उधर गई हूँ, गर्मी थी, मेरा दिमाग जो ना वो जगह पे नहीं है, थकी हुई थी, मुझे कोई होश नहीं, तभी उठी हूँ। ये कह रहे कि अगला महीना अक्टूबर का नहीं है। अक्टूबर का मैं दिसंबर का समझ रही, दिसंबर तो 12वां महीना होता है। अक्टूबर के बाद नवम्बर आता है, नवम्बर हाँ फिर दिसंबर, फिर दिसंबर आता है। मैं असल में भूल गई हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया था। इंशाल्लाह जल्दी करेंगे पे, हाँ 10वें की मैं रखेंगी डेट, अभी 2-3 दिन तक अबू जाएंगे अम्मी और अबू, उनसे पूछ के फिर इंशाल्लाह डेट रख देंगे। कोई भी मैं उत्ते चढ़ गई, खैर मेरा मोबाइल मुंह दे उत्ते क्या नहीं, मेरा मोबाइल बड़ा मेरे मुंह डालना गम कर ली, ये याद आती है। अब फिर अंधेरा हो गया ना, शक्ल अच्छी तरह से नजर तो आए ना लोगों को, तेरी 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 तो शक्ल ही में हो जिवें लौंग दे उत्ते नहीं होंदी बड़ी होई तेरी दही में एदा तू आ सारे दी में सारा मुंह मोटा है। अच्छा वाह मैं ठीक ही, लौंग दे उत्ते एक बड़ी होंदी है फुमणी, ऐसी कोई बात भी नहीं। 3 साल पहले लॉन्ग थी है, जब मैं पहले आज से दो तीन साल पहले ना उस वक्त मुझे ये लॉन्ग कहते थे सिकंदर भाई ना, लेकिन अब जो है ना मेरा मतलब मुंह और जिसम फेस एक जैसा हो गया, अब नहीं है लॉन्ग। और क्या खाना है जल्दी बताओ? मैंने कुछ भी नहीं खाया, दाल बनी हुई है और बताओ, दाल खाने मिल गया, कुछ और बताओ कैसी हो रहा, ये क्या पी रही है, कोल्ड ड्रिंक चीज, मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई, आपने बाल खुले क्यों हुए हैं, सर्दी आ गई है? ये ना खुले बाल करती है शौक है, ये अमन की था। हाँ ये ना उसे ऊपर पन लगे उतारती है,
पर आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे खुश रखे। आमीन आमीन। कहना बाकी सब ने हालांकि ऊपर भी कोठा बनवाई, लेकिन फिर भी मेरी कोठी नहीं बनी अभी। इंशाल्लाह ये भी आपकी अपनी कोठी है। मेरी अपने बच्चों अहमद रसनैन को बहुत ज्यादा शौक है कि हमारी भी इस तरह की कोठी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप खुद बताएं, हमारी जब होती थी कच्ची दीवार होती थी, हमारे पास क्या था? अब देखो, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बन जाएगी, फिक्र ना करें। बच्चे जब अपने पांव, पहले मेरे चैनल का मसला था ना, डॉलर नहीं आ रहे थे चैनल, हाँ अब ठीक हो गया है, तो अभी काम आते हैं। लेकिन आज वीडियो भी बनाई है, हैप्पी हुरिया फैमिली को सब्सक्राइब करना है, हैप्पी हुरिया फैमिली ना, हुरिया फैमिली को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, वीडियो को देखा करें अम्मी आप ही की, क्योंकि आप ही को इस वक्त जरूरत भी है, बच्चों के 3-4 बच्चे भी हैं, और बीच में वीडियो छोड़ दी थी क्योंकि इनके चैनल के ना थोड़े ना डॉलर्स का इशू था, इस वजह से इन्होंने ना यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालते थे, बहुत कम व्लॉग डालते थे, 7-8 दिन के बाद कभी कभी व्लॉग डालते थे, अभी भी थोड़े कम आते हैं डालो, आज डालोगे ना व्लॉग? ठीक है, रात भी डाला है, अच्छा रात भी डाला था। चलो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हैप्पी हुरिया फैमिली को सब्सक्राइब करना है जाके, और वीडियो को देखना है जरूर, और वहाँ पे जाके कहना है कि हम लोग सोने की तरफ से आए हैं। क्या क्या बोल रही हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, थैंक यू, शुक्र है ना खाकर, बड़ी बहन हो मेरी। तो वीडियो का भी यही एंड करती हूँ, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में हमें याद रखना है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।